एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवांस टैक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोल्डर पे अपना फोटो लगा सकते हैं। आपने फोटो का आइकन सॉरी फोल्डर के आइकन चेंज किए होंगे, लेकिन अपना फोटो कैसे लगाएं फोल्डर पे, वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा फोल्डर है, अब मैं इसका आइकन चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज में जाके चेंज आइकन, और यहाँ से मैं कोई भी आइकन यहाँ से लगा सकता हूँ। बहुत सारे आइकन्स होते हैं यहाँ से, अगर हमारे जैसे मैं यहाँ पर ये लगाना चाहता हूँ ट्री, तो ओके कर दिया मैंने और यहाँ से ओके, इस तरह से मेरा फोल्डर का आइकन चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये क्या है, फोल्डर पे हमने आइकन चेंज कर दिया, लेकिन हम अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। कुछ लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं, यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, फिर कस्टमाइज पे क्लिक करके चेंज आइकन, और यहाँ से चूज फाइल करने लगते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा फ़ोटो आइकन फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप आइकन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आइकन है नहीं अभी, तो यहाँ से नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से चूजा फाइल करने लगते हैं और यहाँ से कोई भी फाइल ऐसे ही उठा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से डाउनलोड्स इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके किया, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मेरे फोल्डर का जो आइकन है नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे जो फोटो मैंने लगाया था वो फोटो आइकन रूप में नहीं था, आइकन की फॉर्म में नहीं था, वो किस में था, वो एक इमेज जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में था। तो आइकन का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, वो जो होता है डॉट आईसीओ होता है। डॉट आईसीओ का मतलब आइकन टाइप की फाइल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पेंट। अब अगर हमें अपना फ़ोटो कहाँ लगाना है, अपने फोल्डर पर लगाना है, तो हमें आइकन बनाना होगा अपने फ़ोटो को। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पेंट। पेंट सॉफ्टवेयर से हम अपना और यहाँ पे फोटो को आइकन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल पे जाके पेस्ट फ्रॉम कर देता हूँ, ताकि मैं अपनी फाइल निकाल सकूँ या फिर फाइल में जाके ओपन भी कर सकता था। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो रखा हुआ है और मैं ये फ़ोटो अपना अपने फोल्डर पे लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके सेव एज करना है, और मैं ये डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ दोस्तों, और इसका नाम रख देता हूँ फोल्डर आइकन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे उसका नाम रखा फोल्डर आइकन, यहाँ उसके आगे हमें लिखना होगा ICO डॉट ICO, ये एक्सटेंशन है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे ये फाइल सेव नहीं हो पाएगी। और ये सेव एज टाइप यहाँ PNG लगा, इसकी जगह आपको क्या कर लेना, 24 bit बिट मैप। बिट मैप क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ हम चेंजेस कर सकें, और एक कंपेटेबल फाइल होती है। तो हमें 24 bit बिट मैप में क्लिक कर देना है और यहाँ डॉट आइकन सॉरी आइकन के आगे डॉट ICO लिख देना है, और यहाँ डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों चेक कर लेते हैं ये फाइल हमारी आइकन बनी या नहीं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं देखता हूँ इसे। ये देखो दोस्तों टाइप ऑफ फाइल में क्या है, आइकन लिखा हुआ आ रहा है डॉट ICO। और नॉर्मल अगर मैं कोई फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, हाँ दोस्तों PNG फाइल दिखा रहा है, टाइप ऑफ फाइल PNG। तो यहाँ पे बस इतना ही अंतर होता है। अभी दोस्तों पेंट में क्या है, बहुत सारा पेंट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा पेज खाली बचा हुआ है, इसलिए क्या वाइट वाइट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे सेव एज दोबारा से कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके फाइल सेव एज, और यहाँ से हम डायरेक्ट बिट मैप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फोल्डर आइकन के आगे डॉट ICO लिखना है, डॉट ICO, और यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आइकन नाम की एक फ़ाइल पहले से है, तो आइकन के आगे मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी फाइल कौन सी है। दोस्तों अब मैं देखता हूँ फोल्डर आइकन वाला, यहाँ पे आइकन बन चुका है। प्रॉपर्टीज़ में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ टाइप ऑफ फाइल में आइकन आ गया है, डॉट ICO आ गया है। अब मुझे क्या है, अपने फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना होता है।
यहाँ से कस्टमाइज पे जाना, और यहाँ से चेंज आइकन पे जाने के बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से ब्राउज करना होता है अपने आइकन को। तो ब्राउज पे जाने के बाद हमारा फोल्ड जो फाइल है आइकन वाली वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, और डेस्कटॉप पे किस नाम से, फोल्डर आइकन एन, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे फोल्डर पे क्या है, मेरा फ़ोटो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो दोस्तों आप भी अपने फोटो जो फोल्डर बनाए कंप्यूटर में उस पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दूंगा। थैंक यू गाइज़।